लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कैनामेटिक्स स्टार्ट कर दिया था लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू में हमने फॉरवर्ड कैनामेटिक्स एंड डायरेक्ट पोजिशनल एनालिसिस के बहुत फंडामेंटल्स को जाना था और हमने एक सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट सिमुलेशन की हेल्प से ये जाना था कि एक्चुअली में फॉरवर्ड कैनामेटिक्स प्रॉब्लम का फ़िजिकल सिग्निफिकेंस या फ़िजिकल मीनिंग होता क्या है तो जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करा था सो दिस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू आज के वीडियो में हम लोग लिंक एंड ज्वाइंट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे वेन इट कम्स टू द मैथमेटिक्स ऑफ फॉरवर्ड कानामेटिक्स सो लिंक्स एंड ज्वाइंट को हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कानामेटिक्स के रिस्पेक्ट uh, में ठीक है सो इसमें बेसिक जो टॉपिक्स uh, हैं दैट इज गोइंग टू बी नोटेशन कॉर्डिनेट सिस्टम एंड द वेरियस लिंक एंड ज्वाइंट पैरामीटर्स ठीक है सो so जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कोई भी रोबोटिक सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लिंक्स जो हमारे ये लिंक होते हैं उन लिंक् से मिलकर हमारे जो रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं वो लिंक्स से मिलकर बने होते हैं एंड लिंक्स आर नथिंग बट दीज आर दी स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल मेंबर्स विच आर एक्चुअली रिजेट वेन इट कम्स टू दी कानेटिक थ्योरी सो कानामेटिक थ्योरी में हम किसी भी लिंक को वी एज्यूम इट टू बी रिजिड ओके सो यहाँ पर हमने क्या करा है एक जनरलाइज्ड लिंक को एज्यूम करा है ठीक है सो दिस इज अ लिंक ये एक बहुत रैंडम आर्बिट्ररी शेप का लिंक है हमने इसे एक जनरल लिंक की तरह ट्रीट करा है ठीक है सो so, इसकी डेजिग्नेशन है लिंक आई सो आई कैन बी वन टू थ्री फोर एटसेट्रा सो इन अ सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट आई की वैल्यू वन से लेके सिक्स हो सकती है सो इंस्टेड ऑफ रिप्रजेंटिंग इट बाई सम इंटीजियर हमने क्या करा है लेटस्ट कॉल इट लिंक आई बिकॉज यहाँ पर हम एक जनरल लिंक की बात कर रहे हैं ठीक है सो एज यू कैन सी जो इसका ओस्टीरियर एंड है या जो इसका सॉरी जो प्रोक्सीमल एंड है ये वाला एंड यहाँ पर एक सर्कुलर होल फीचर यहाँ पर आपको गिवन है ठीक है सिमिलरली जो लिंक का डिस्टल एंड या फिर अपर एंड है यहाँ पर भी एक सर्कुलर होल फीचर आपको गिविन है ऑल्सो एज यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस हैज लाइन यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि लिंक में कुछ ट्विस्ट भी है ठीक है सो बोथ ऑफ दिस सर्कुलर फीचर्स आर नॉट इन अ सिंगल प्लेन ठीक है सो so, अभी हम इसको थ्री डी कैड की हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे सो so, जब आप फॉरवर्ड कैनामेटिक्स की स्टडी कर रहे होते हो सो so, वहाँ पर लिंक एंड जॉइंट पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सो आज हम लोग लिंक uh, पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे ठीक है सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ लिंक आई इसके अप्रॉक्सीमल uh, एंड पे जो एक्सेज होगी दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सेज आई माइनस वन सिमिलरली इसके डिस्टल एंड पे जो एक्सेज होगी दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सेज आई ठीक है तो अगर हमारा लिंक वन होता या uh, यहां पर लिंक टू होता सो so इस प्लेस पे देयर विल बी एक्सेस टू और इस प्लेस पे देयर विल बी एक्सेज वन ठीक है सो so इस टाइप से आप इसे मार्क करोगे सो so, हमने क्या करा है जो हमारे ये सर्कुलर फीचर्स हैं दैट इज़ ये जो सर्कुलर होल है यहाँ से हमने एक एक्सेस ड्रॉ करी है एज़ यू कैन सी दिस वॉयलेट कलर एक्सेज सो दिस वन इज़ एक्सेस आई माइनस वन सिमिलरली एक्सेस क्या होगी जो हमारे सर्कल uh, है उसके सेंटर से पास करेगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड दैट इज़ वाई हमने इसको थ्री uh, डी को टू डी में रिप्रेजेंट करा है सो so, हमने एक एक्सेज और बनाई दैट इज़ एक्सेज आई सो इस एक्सेस को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है सो इतना आपको समझ आ गया होगा अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सो so अभी बस ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसको एक कैड मॉडल की हेल्प से समझेंगे थ्री डायमेंशंस में ठीक है so, सो सबसे पहले रोबोट uh, काइनामेटिक्स में देर आर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक पैरामीटर्स सो लिंक पैरामीटर्स हमारे पास दो होते हैं फर्स्ट वन इज दी लिंक लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एआई सेकंड वन इज दी लिंक ट्विस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा आई यहाँ पर जो आई है दैट इज इंडेक्स दैट दिप्रेजेंट द लिंक नंबर सो ए आई का मतलब अगर लिंक वन की बात हो रही है सो इसको मैं ए वन लिखूंगा दैट इज लिंक लेंथ फॉर द लिंक नंबर वन और यहाँ पर मैं इसको एल्फा वन लिखूंगा दैट इज द लिंक टू इसल फॉर द लिंक नंबर वन सो लिंक पैरामीटर इज नथिंग बट

दिस इज लिंक लेंथ इसको हमने ए आई से रिप्रेजेंट करा है सो एज यू कैन सी जो हमारी दो एक्सेस हैं दिस इज एक्सेस आई माइनस वन एंड दिस वन इज एक्सेज आई इन दोनों एक्सेस के बीच में मैंने क्या करा है इस लिंक लेंथ को ड्रॉ करा है और कैसे ड्रॉ करा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों एक्सेस के बीच में यू हैव टू मेक अ परपेंडिकुलर यू हैव टू मेक अ डिस्टेंस और अ लाइन दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्सेज आई माइनस वन के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सेज आई के भी परपेंडिकुलर हो सो दिस लाइन विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस इन सच अ वे दैट द लिंक लेंथ इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द एक्सेज इस लेंथ को हम कहते हैं लिंक लेंथ सो टू स्पेसिफाई द पोजिशन एंड ओरिएशन ऑफ अ लिंक इन स्पेस अ कॉर्डिनेट फ्रेम इज अटैच टू ईच लिंक दैट इज अगर आपके पास कोई लिंक है आई तो so उसमें आपको एक कोर्डिनेट फ्रेम अटैच करना पड़ेगा उस फ्रेम को आप बोलोगे फ्रेम आई से रिप्रजेंट करोगे यानी कि अगर आपके पास लिंक नंबर टू है सो so वहाँ पर फ्रेम टू को अटैच करोगे इफ़ यू हैव लिंक वन सो वहाँ पर आप फ्रेम वन को अटैच करोगे सो व लिंक डिस्क्राइब्स द रिलेटिव पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ जॉइंट एक्सेस एट इट्स टू एंड जो लिंक होगा वो हमारे जॉइंट एक्सिस की रिलेटिव पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा ये हम जब जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको थ्री में समझाऊंगा ठीक है फॉर द टू एक्सेज आई एंड आई प्लस वन देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच गिवज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेज एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेज इज नथिंग बट द लिंक लेंथ रिप्रेजेंटेड बाई ए आई ठीक है सो so, हमारी ये दो एक्सेज हैं दिस इज एक्सेज वन एंड दिस इज एक्सेस टू इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेज तो पॉइंट ए पर यह जो रेड वाली लाइन है इज परपेंडिकुलर टू दिस सिमिलरली पॉइंट बी पे जो रेड लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वॉयलेट लाइन सो इस लेंथ को आप क्या बोलोगे यू कॉल इट लिंक लेंथ रिप्रजेंटेड बाई ए आई अब फिगर में क्या है ये एंगल नाइन्टी डिग्री नहीं है दिस एंगल इज नॉट नाइन्टी डिग्री सिमिलरली दिस एंगल इज नॉट इक्ल टू नाइन्टी डिग्री इफ़ यू सी दी फिगर और द जोमेट्री बट बिकॉज ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसको हमने टू डायमेंशन में ड्रॉ कराया दैट इज़ वाई यहाँ पर ये आपको डिस्टोर्शन शो हो रहा है अभी जब हम इसको कैड मॉडल की हेल्प से समझेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको थ्री डी में यह बनाकर दिखाया हुआ है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सो so याद रखना कोई भी दो एक्सेज हैं दिस इज एक्सेस आई माइनस वन दिस इज एक्सेज आई इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर और थोगनल लाइन हैं डिटेंस इज द लिंक लेंथ रिप्रेजेंटेड बाई ए आई लिंकेशन पढ़ लेते हैं फॉर द टू एक्सेस दैट इज एक्सेस आई माइनस वन एंड एक्सेस आई देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल परपेंडिकुलर विच गिव दॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दू एक्सेस दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल टू द टू एक्सेज इज डिफाइंड एज द लिंक लेंथ ये मैंने अभी आपको फिगर में शो करा था दिस लिंक लेंथ फॉर द आयथ लिंक इज डिनोटेड एज ए आई सो अगर लिंक नंबर थ्री है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिंक लेंथ है दैट विल भी डिनोटेड बाई ए थ्री ठीक है सिमिलरली अगर हमारे पास लिंक सेवन है तो इस लिंक सेवन का जो लिंक लेंथ होगा दैट विल भी डिनोटेड बाय ए सेवन एंड सो ऑन

सो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी दी एंगल, दैट इज एंगल ऑफ द लिंक ट्विस्ट सो द लिंक ट्विस्ट एंगल अल्फा इज़ मेजर्ड फ्रॉम द एक्सेस आई माइनस वन टू द एक्सेस आई इन द राइट हैंड सेंस अबाउट द कॉमन नॉर्मल ए बी सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने क्या करा है एक्सेज ये जो आई है दिस इज एक्सेज आई इस एक्सेज आई को हमने क्या करा है वी हैव प्रोजेक्टेड इट टू द एक्सेज आई माइनस वन सो ये हमारी एक्सेज आई माइनस वन है हमने क्या करा ये जो एक्सेज आई है इसका एक प्रोजेक्शन बना लिया एज यू कैन सी लाइक दिस सो ये हमारे एक्सेज आई का प्रोजेक्शन है तो so यहाँ पर मैंने मार्क करा है सो दिस इज़ पैरल टू एक्सेज आई सो हमने क्या करा इस वाली एक्सेस को उठाकर कर यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया है ठीक सो नाउ द म्यूचुअल एंगल बिटवीन द एक्सेज आई माइनस वन यानी कि इस वाली और इस प्रोजेक्शन के बीच का जो एंगल है दिस आपने रोटेट कराया है ठीक है तो अभी हम इसको थ्री डायमेंशन में समझेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा सो so यहां पर लिखा है द लिंक ट्विस्ट एंगल एल्फा आई इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सेस आई माइनस वन टू एक्सेज आई यानी जो हमारी एक्सेस आई माइनस वन है उससे आप एक्सेज आई की तरफ रोटेट करोगे ये जो हमारी एक्सेस आई माइनस वन है सो दिस इज़ एक्सेज आई माइनस वन एंड दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेज आई सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एक्सेज आई माइनस वन से स्टार्ट करा यहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करा एंड वी हैव रोटेटेड इट टूवर्ड आई यहाँ पे हमने मेजरमेंट को एंड कर दिया सो दिस एंगल इज़ द अल्फा आई इसी एंगल को हम लिंक ट्विस्ट एंगल बोलते हैं सो so, अगर मैं आपसे बोलूं, व्हाट आर दी लिंक पैरामीटर्स? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक पैरामीटर्स आर द लिंक लेंथ गिवन बाय ए आई एंड द लिंक ट्विस्ट एंगल गिवन बाय अल्फा आई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू दिनेटिक्स ऑफ सीरियल मैनिपुलेटर्स सो so, अब हमने बेसिक डेफिनेशंस एंड थ्योरी समझ ली है हाउ टू आइडेंटिफाई द लिंक लेंथ एंड द लिंक ट्विस्ट सो नाउ अब हम क्या करते हैं लेट अस मूव टू थ्री डायमेंशनल कैड सिमुलेशन हम क्या करते हैं सॉलिड वर्क्स पर एक बार इस जनरलाइज्ड लिंक को ड्रॉ करके मतलब उसको थ्री डायमेंशंस में क्रिएट करके वी जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द लिंक लेंथ एंड द लिंक ट्विस्ट सो अभी मैं आपको थ्री डायमेंशंस में Uh, इसकी एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ सो so, उससे आपको ज़्यादा ईजी होगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिंक पैरामीटर्स एंड ज्वाइंट पैरामीटर्स अगर ये समझने में आपको प्रॉब्लम हुई तो so, आप एंटायर डी एच एल्गोरिद्म और डी एच टेबल क्रिएट करने में असफल रहोगे सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम लेके कर uh, बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं सो लेट अस नाउ मूव टू दी थ्री डी एनिमेशन सो so, अब हम सॉफ्टवेयर uh, की हेल्प से ये जो हमारा एक जनरलाइज्ड लिंक है ठीक है इस लिंक की जो लिंक पैरामीटर्स होते हैं दैट इज लिंक लेंथ एंड लिंक ट्विस्ट ठीक है तो जो हमारे दो लिंक पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअली फिजिकली कैसे होते हैं और उनको हम थ्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इस सिंपल से एनिमेशन uh, से हम समझ लेते हैं ठीक है सो so, ये हमारा एक जनरल पर्पस लिंक है अब ये जो लिंक है इसकी शेप बहुत ज्यादा वियर्ड है ठीक इन रियल रोबोटिक्स आपके पास इस टाइप का लिंक नहीं होगा बट बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ जनरलाइज्ड केस हम एक जनरल केस की बात कर रहे हैं दैट इज वाई मैंने जो लिंक लिया है इट इज ऑफ सम आर्बिट्रेरी शेप ठीक है सो so, लिंक अगर आप देखोगे सो so अगर मैं आपको टॉप व्यू से दिखाऊं सो एज यू कैन सी फ्रॉम द टॉप व्यू ये जो लिंक है इसमें बहुत सारे कर्व्स हैं ठीक अगर आप हम इसको साइड व्यू से देखें सो यू कैन सी साइड व्यू से अगर आप इसको देखोगे सो दिस इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट अ जनरल लिंक ये एक जनरलाइज्ड लिंक है ठीक है सो आई होप आपने लिंक के स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा साथ ही साथ अगर आप देखो इफ यू कंसिडर दिस टू बी फ्लैट अगर ये वाला हमारा कनेक्शन जहाँ पर होगा ज्वाइंट का कनेक्शन ये फ्लैट है सो so, इसके रिस्पेक्ट में दिस ग्रीन वन ये कुछ एंगल पे है ठीक है सो वी आर जनरली कंसिडरिंग अ लिंक जो हमारे सारे के सारे केसेस को कवर कर ले फॉर इस जनरलाइज्ड लिंक से हम बाद में जो रिजल्ट uh, होगा उसको स्पेशलाइज्ड लिंक के लिए भी डेवलप कर सकते हैं ठीक है सो so, ये हमारा एक लिंक है थ्री डायमेंशन में सो so, अब हमको क्या करना है वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिंक पैरामीटर्स लिंक पैरामीटर्स में हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वन इज द लिंक लेंथ जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड लिंक पैरामीटर इज द लिंक ट्विस्ट ठीक है लिंक ट्विस्ट एंगल जो होता है उसको हम एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं सो so, अगर ये हमारा लिंक है वी कॉल इट लिंक नंबर आई सो दिस इज लिंक आई देयरफोर यहाँ पर जो हमारी एक्सेस होगी वो एक्सेस होगी लिंक सॉरी uh, वो एक्सेज होगी एक्सेज आई सो एज यू कैन सी दिस वन इज द एक्सेज आई सो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे आ, शो कर देते हैं सी so, ये हमारी एक्सेस आई है एक्सेज आई जो हमारा सर्कुलर पार्ट है जो कनेक्टर है यहाँ पर ज्वाइंट फॉर्म होगा इस कनेक्टर के सेंटर से पास हो रही है ठीक है ऐसे करके आप देख सकते हो सो दिस इज एक्सेज आई ये जो इसका एंड है दिस इज नोन एज द डिजिटल एंड ये जो एंड है दिस इज नोन एज द प्रोक्सीमल एंड प्रोक्सीमल एंड पर जो एक्सेज होगी दैट इज एक्सेस आई माइनस वन सो दिस वन इज द एक्सेज आई माइनस वन एक्सेज आई माइनस वन जो है दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर होल ठीक है सो आई होप ये थ्री डी में आपको क्लियर होगा सो so, जैसा हमने डिस्कस करा है एज यू कैन सी दोनों के दोनों एक्सेस हमारी दीज आर नाइदर पैरल नॉर इंटरसेक्टिंग दिस इज अ जनरल केस ठीक है सो so, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है जो लिंक पैरामीटर है दैट इज लिंक लेंथ सो लिंक लेंथ क्या होता है इफ़ आई मेक अ कॉमन नॉर्मल इस एक्सिस के और सेकेंड एक्सिस uh, के बीच में अगर एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करूं सो दैट विल बी दी लिंक लेंथ सो मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन uh, दिखा दूं एक बार सो जो लिंक लेंथ है रिप्रेजेंटेड बाय ए लिंक लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेज ठीक है ये इसकी डेफिनेशन है फॉर द टू एक्सेज आई एंड आई प्लस वन देर एग्जिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेज इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लिंक लेंथ बोलते हैं ठीक है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग नॉर्मल टू द टू एक्सेस इज डिफाइंड एज द लिंक लेंथ द लिंक लेंथ फॉर द आयथ लिंक इज डिनोटेड एज ए सबस्क्रिप्ट आई या फिर ए आई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो ठीक है सो अब हम इसको डायग्राम में एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं सो so, ये जो हमारी एक्सेस है दिस इज एक्सेस आई ये जो अप्रोक्सीम uh, एंड पे एक्सेस है दिस इज एक्सेस आई माइनस वन ठीक है इन दोनों के बीच में अगर मैं एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाऊं शॉर्टेस्ट पाथ बनाऊं दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस इस एक्सेस के भी परपेंडिकुलर हो और इस रेड वाली एक्सेस के भी परपेंडिकुलर हो सो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज दी लिंक लेंथ सो मैं क्या करता हूँ मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट करा हुआ है थ्री में सो लेट मी मेक इट विजिबल सो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्राम हेयर एंडिंग हेयर ओके सो दिस डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू बोध द एक्सेस इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू एक्सेस एज वेल एज टू दिस रेड एक्सेस ठीक अब क्या हो रहा है बाई चांस हमने जो जोमेट्री बनाई है सो so उसकी वजह से क्या हो रहा है ये जो इसका एंड पॉइंट है वो इस लिंक के सेंटर में आ रहा है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि ये लिंक के सेंटर में ये जो ज्वाइंट है ज्वाइंट के सेंटर में है ऐसा जरूरी नहीं है एनालिसिस में हमने एज्यूम करा था कि इस टाइप से होगा ये ठीक बट क्योंकि वी आर मेकिंग इट यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू दॉफ्टवेयर कंप्यूटेशन दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू एक्सेस सच दैट दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस दैट इज वाई ये जो हमारा लेंथ है दिस इज द लिंक लेंथ अब अगर आप फिजिकली लिंक की लेंथ को मेजर करोगे तो यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ दिस येलो पाइप अगर आप इस येलो पाइप की लेंथ को मेजर करोगे सो दैट इज द फिजिकल लेंथ ऑफ द लिंक ठीक है ये तो फिजिकल लेंथ ऑफ द लिंक है बट फॉर ऑल द कानामेटिक कैलकुलेशन वी टेक दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज द लिंक लेंथ ठीक है कायनामेटिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसमें आप लिंक लेंथ इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हो ना कि इस येलो वाले डिस्टेंस से ठीक है सो दिस इज लिंक लेंथ अब आपको uh, इसको कैलकुलेट करना है सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट आप इसको कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस टूल दैट इज प्रेजेंट हेयर सो मैं इसको एक बार आपको कैलकुलेट uh, या मेजर करके बता देता हूं सो लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज 42.6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है सो आई कैन से ए आई इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक यानी कि जो हमारा लिंक लेंथ है ए आई दैट इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है सो आई होप आपको लिंक लेंथ समझ में आ गया होगा नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज लिंक ट्विस्ट बिफोर दैट हम क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं नाउ जो सेकेंड लिंक पैरामीटर हमारे पास है वो होता है हमारा लिंक ट्विस्ट इसी को लिंक ट्विस्ट एंगल भी बोलते हैं फॉर द आयथ लिंक इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा सबस्क्रिप्ट आई यानी कि हम उसे अल्फ़ा आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई लिंक के लिए जो लिंक ट्विस्ट होता है अदरवाइज आप उसको अल्फा बोलोगे ठीक है ये एक एंगल होता है सो द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेस आई माइनस वन एंड एक्सेज आई यानी कि आपके पास दो एक्सेस हैं एक्सेज वन एंड एक्सेस टू तो आप क्या करोगे एक्सेस टू का प्रोजेक्शन लोगे एक्सेज वन पे और फिर उनके बीच का जो म्यूचुअली जो म्यूचुअल एंगल होगा दैट एंगल विल बी इक्वल टू द लिंक ट्विस्ट एंगल ठीक है सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेज आई माइनस वन एंड एक्सेज आई ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल ए बी इज नोन एज द लिंक ट्विस्ट एंगल एंड इज डिनोटेड बाय एल्फा आई फॉर द आयथ लिंक सो ये एक बार हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं फिर मैं आपको थ्री डी में बताऊंगा सो एज यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज एक्सेस आई माइनस वन ये हमारी एक्सेस आई माइनस वन है एंड ये हमारी एक्सेस आई है दिस इज एक्सेस आई सो अगर मैं इन दोनों के बीच एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाऊं सो दिस विल बी द लिंक लेंथ इसको हम ए आई बोलते हैं सिमिलरली हम क्या करेंगे एक्सेस आई को प्रोजेक्ट करेंगे एक्सेस आई माइनस वन पे सो so, ये जो डॉटेड ब्लैक लाइन है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेस आई

एक्सेज आई माइनस वन से जो डिस्टल एंड पे एक्सेस होगी एक्सेज आई इस सेंस में हम अपने अल्फा एंगल को मेजर करेंगे ठीक है यानी कि फ्रॉम एक्सेस आई माइनस वन टूवर्ड्स एक्सेस आई वी आर गोइंग टू मेजर दी अल्फा आई एंगल बाय फॉलोइंग दी राइट हैंड सेंस अबाउट द कॉमन नॉर्मल ए बी ठीक ये अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी बस आप ये एक फैक्ट की तरह आ, इसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लो अब मैं आपको ये आ, अपने सॉफ्टवेयर में बताता हूं कि ये कैसे हम मेजर करेंगे तो ये हमारा लिंक uh, है ठीक सो एज यू कैन सी बोथ द एक्स आर नाइदर नॉर इंटरसेक्टिंग जो हमारी रेड एक्सेस है और ब्लू एक्सेस है ना तो ये पैरल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है इन थ्री डायमेंशन आप इसको देख सकते हो एज यू कैन सी ठीक अगर मैं साइड से दिखाऊं सो एज यू कैन सी फ्रॉम द साइड सो बोथ द एक्सेस आर नाइदर पैरल नॉर इंटरसेक्टिंग सो so, अब हमको क्या करना है दोनों एक्सेस के बीच का जो एंगल है मेजर्ड फ्रॉम द एक्सेस आई माइनस वन टूवर्ड्स एक्सेज आई फॉलोइंग द राइट हैंड रूल उस एंगल को फाइंड आउट करना है ठीक है अब बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दिस इज अ कैड सॉफ्टवेयर दैट इज वाई हम वो एनिमेट तो कर नहीं सकते हैं सो वी कैन डू वन थिंग वी कैन जस्ट प्रोजेक्ट द एंगल ठीक है सो so, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू टेक द साइड प्रोफाइल व्यू सो so, अगर मैं इसका साइड व्यू निकाल लूं लाइक like दिस अब हमारे पास क्या है एज यू कैन सी वन एक्सेस इज दिस ये रेड वाली एक्सेस हमारी ऐसी है ठीक सो so, जो रेड एक्सेस है वो जो हमारा ये सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे एक ज्वाइंट फॉर्म होगा इसके सेंटर से पास हो रही है ठीक सिमिलरली जो ये ब्लू एक्सेस है ये जो हमारा सेकेंड एंड है हमारे लिंक का जो सेकेंड एंड है यहां पर भी एक ज्वाइंट फॉर्म होता है सो so ये इसके सेंटर से पास हो रही है ठीक तो आप देख सकते हो दोनों एक्सेस के बीच का एंगल इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दोनों एक्सेस के बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट एंगल है इसी एंगल को वी कॉल इट दी लिंक ट्विस्ट एंगल ये भी हमारे लिंक पैरामीटर होता है तो अगर आप इसको मेजर करोगे सो इसको हम मेजर कर सकते हैं सो वी कैन जस्ट इनेबल डी एक्सेस सो हमने यहाँ से एक्सेस इनेबल कर ली अब हम क्या करते हैं इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं सो लेट मी चूज दिस axis एंड दिस axis सो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों के बीच का एंगल इज इक्वल टू 18.4 पॉइंट फोर डिग्रीज यहाँ से आपको दिख जाएगा फर्स्ट जो डेटा है दैट इज़ एंगल इक्वल टू एटीन पॉइंट फोर डिग्री सो दोनों एंगल दोनों, दोनों एक्सेस के बीच का एंगल इज एटीन पॉइंट फोर डिग्रीज दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ एल्फा आई इसी को हम लिंक ट्विस्ट बोलते हैं ठीक है सो दिस इज़ द सेकंड लिंक पैरामीटर सो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो हमारे लिंक पैरामीटर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वांट टू स्टैब्लिश द डीएच पैरामीटर टेबल्स एक्चुअली रोबोटिक्स की एंटायर कानामेटिक्स और उसके आगे डायनामिक्स सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है अगर आपको ये समझ में आ जाएगा सो यू विल बी एबल टू डील विथ सीरियल एज वेल एज पैरल रोबोट्स ठीक है दैट इज वाई मैं यहाँ पे बहुत एफर्ट लेके ये आपको थ्री में बनाकर दिखा रहा हूँ बिकॉज अगर मैं सिंपल पेन और पेपर से टू में बना दूंगा सो so हो सकता है आपको समझने में दिक्कत रहे ठीक सो so, अभी हमने अपने जनरलाइज्ड लिंक की थ्री में एनिमेशन देख ली वहाँ पर हमने यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमने विजुलाइज करा था अपने लिंक लेंथ और लिंक ट्विस्ट एंगल को सो आई होप वहाँ से आपको थ्री में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा सो नाओ लेटस्ट डू सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजिस इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक लिंक है एज यू कैन सी दिस इज लिंक आई सो इसके डिजिटल एंड पे एक्सेस आई होगी इसके प्रोक्सीमल एंड पे यू आर हैविंग एक्सेस आई माइनस वन इस एंड को लोअर एंड भी बोलते हैं इस एंड को अपर एंड भी बोला जाता है सो so, यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी मैंने एक्सेस को रेड कलर में मार्क करा हुआ है सो so, हमसे बोल रहा है कि यू हैव टू मार्क द लिंक लेंथ एंड द लिंक टूस्ट सो so, हमको लिंक लेंथ यानी के ए फॉर द आयथ लिंक ए आई एंड लिंक ट्विस्ट दैट इज़ एल्फा फॉर द आयथ लिंक दैट इज़ एल्फा आई सो आपको इन दोनों पैरामीटर्स को मार्क करना है सो रिमेंबर वन थिंग जो लिंक है हमारा दैट इज इन थ्री डायमेंशंस और हम इसको पेपर पे टू डायमेंशंस पे ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ वाई जो भी एंगल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी लिटिल बिट डिस्टोर्टिड सो फिजिकली वो 90 डिग्री का नहीं दिखेगा बट

इस शॉर्टेज डिस्टेंस को क्रिएट करूं। सो so, ऑब्वियसली हम इसको एक्यूरेटली तो नहीं बना सकते हैं बट अगर हमने एज्यूम करा लेट ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू एक्सेस, सच दैट ये जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेस आई सो दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री ऑल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेज आई माइनस वन सो दिस एंगल इज ऑल्सो नाइन्टी डिग्री अब ऑब्वियसली देखने में ये एंगल नाइन्टी डिग्री नहीं है बिकॉज ये लिंक थ्री डी का है थ्री डायमेंशंस का है हमने इसको टू डी में बनाया है दैट इज वाई यहाँ पे ये डिस्टोशंस आपको मिल रही हैं बट फॉर द कन्वीनियंस आपको इसे एज्यूम करना पड़ेगा कि यह नाइन्टी डिग्री है और आपको बेटर समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी थ्री डी में आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से दिखाई दिया है सो आई होप आप इसको एडजस्ट करोगे यहाँ पे ठीक है सो लेटेस्ट मार्केट पॉइंट ए

ए होता है लिंक लेंथ आई इज द इंडेक्स दैट द लिंक नंबर सो यही हमारा लिंक लेंथ होता है अब आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो मार्क लिंक ट्विस्ट एंगल सो हमसे लिंक ट्विस्ट एंगल पूछा जा रहा है सो अस टेक कलर ब्लैक एंड एक्टिवेट द लाइन कमांड सो लिंक ट्विस्ट एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो एक्सेस आई है इस एक्सेस को यू हैव टू प्रोजेक्ट इट ऑन द एक्सेस आई माइनस वन सो इस वाली एक्सेस को लेकर ये जो आई माइनस वन एक्सेस है इस पे प्रोजेक्ट करना है मेक श्योर sure ये ए पॉइंट से पास होए ठीक है सो इट शुड बी पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ए सो इसका एक तरीका ये है मैं इस एक्सेस को यहाँ से लेट अस जस्ट कॉपी इट मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा और इसको पेस्ट कर दिया ठीक है कुछ भी नहीं हुआ सो अस डू इट वन मोर टाइम इसको हमने कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करी सो ये इट इज़ नॉट वर्किंग सो लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक इट सो मैंने यहाँ से एक्सेस का टूल ले लिया और इस पॉइंट पे रख कर एक, एक एक्सेस क्रिएट करी लाइक दिस ठीक है सो दिस इज़ द एक्सेस द प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सेस और इसको एज्यूम करना ये जो एक्सेस है दिस एक्सेस इज़ पैरेलल टू दिस एक्सेस ठीक है ये जो हमारी एक्सेस आई थी ये इस प्रोजेक्शन के पैरल है ठीक है सो एज यू कैन सी दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेज आई एंड दिस इज नथिंग बट आवर एक्सेस आई माइनस वन सो टेक्निकली अगर मैं एक्सेस आई माइनस वन से आई स्टार्ट टू मेजर एंड आई रीच एक्सेस आई सो मैं एक्सेज आई माइनस वन से स्टार्ट करूंगा और एक्सेस आई तक मेजर करूंगा सो वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल आई शुड रिप्रेजेंटेड बाय एल्फा आई सो ये जो एंगल होगा दिस इज एल्फा आई एल्फा आई का मतलब है लिंक ट्विस्ट एंगल फॉर द आयथ लिंक ऑब्वियसली यू हैव टू मेजर इट विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन नॉर्मल ए बी यानी कि आप इसके अलॉन्ग इसे मेजर करोगे ठीक है सो ऑब्वियसली ये थ्री डायमेंशन का कंसेप्ट है मैं इसको टू डायमेंशन में बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होगी समझने में सो so, आप क्या करोगे एक्सेस आई माइनस वन से स्टार्ट करोगे और इसको एक्सेस आई तक मेजर करोगे ठीक है यहां तक हमने मेजर करा सो दिस एंगल इज एल्फा आई इट हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम एक्सेस आई माइनस वन टूवर्ड्स द एक्सेस आई अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल ए बी ठीक सो दिस एंगल इज एल्फा आई नाउ वी हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज फॉर सेकेंड लिंक हमको लिंक लिंक uh, लेंथ और लिंक ट्विस्ट इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है सो फॉर आइडेंटिफाइंग लिंक लेंथ लेट अस जस्ट सेलेक्ट द लाइन टूल और हमने क्या करा ये जो हमारी एक्सेस आई माइनस वन है एंड दिस वन इज एक्सेस आई इन दोनों के बीच में लेट अस क्रिएट अ कॉमन परपेंडिकुलर सो मैंने यहां से स्टार्ट करा एंड अस अज्यूम यहां पे यह परपेंडिकुलर हो जाता है ठीक सो लेटेस्ट मार्क दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी सच दैट ये वाला एंगल नाइंटी डिग्री है और ये वाला एंगल भी नाइन्टी डिग्री है सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सेस दैट इज एक्सेज आई माइनस वन दिस वन एंड एक्सेज आई सो दिस इज नथिंग बट द लिंक लेंथ ए आई नाउ इन द सेकेंड गेस वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिंक टू इस्ट एंगल अब हमको लिंक ट्विस्ट एंगल कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये जो एक्सेस आई है वी हैव टू क्रिएट वन एक्सेस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ए दैट इज़ पैरल टू ओरिजिनल एक्सेस आई सो हमने क्या करा ए पॉइंट से एक एक्सेस क्रिएट करी सच दैट ये जो हमने एक्सेस बनाई है इसका प्रोजेक्शन है दिस इज पैरल टू दिस एक्सेस दैट इज एक्सेस आई अब आप क्या करोगे यू स्टार्ट फ्रॉम एक्सेस आई माइनस वन एंड यू मेजर इट टिल द एक्सेस आई सो दिस एंगल इज़ नथिंग बट दी लिंक ट्विस्ट एंगल हमने एक्सेस आई माइनस वन से स्टार्ट करा और मेजर करा एक्सेस आई तक जो एक्सेस आई का प्रोजेक्शन है एंड द रोटेशन इज टेकिंग अलोंग द कॉमन नॉर्मल ए बी सो हमने इसके अराउंड इस रोटेशन को मेजर करा है सो दिस एंगल इज़ दी लिंक ट्विस्ट एंगल दैट इज़ अल्फा आई सो एक और केस है हमारे पास इस केस में भी हमको लिंक uh, लेंथ और लिंक ट्विस्ट एंगल को आइडेंटिफाई करना है सो so, जैसा कि आपको पता है लिंक लेंथ इज दी शॉर्टेस्ट म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेज आई माइनस वन दैट इज दिस एक्सेस एंड एक्सेज आई सो एक्सेज आई और एक्सेज आई माइनस वन के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द लिंक लेंथ सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस आई माइनस वन टुवर्ड्स द एक्सेस आई सो अगर मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लू एक्सेस आई का लाइक like दिस ठीक सो दिस इज द लिंक लेंथ मार्क्ड बाय ए आई अब आपको क्या करना है लिंक ट्विस्ट को आइडेंटिफाई करना है सो लिंक ट्विस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द एक्सेस आई माइनस वन एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन सो यहाँ पर मैंने एक्सेस आई माइनस वन को क्रिएट करना है सो अगर ये एक्सेस आई माइनस वन है सो so इसके पैरल एक एक्सेस मेरे को इस पॉइंट पे क्रिएट करनी है सो so मैंने इस पॉइंट पे एक एक्सेस क्रिएट करी लाइक दिस सच दैट दिस एक्सेस ज पैरल टू एक्सेज आई ठीक है एंड नाउ मेरे को एक्सेज आई माइनस वन से एक्सेज आई की तरफ मेजर करना है दिस एंगल सो दिस एंटायर एंगल इज द लिंक टू इसल एंड द रोटेशन हैज टू बी डन अलोंग दमन नॉर्मल सो इन दोनों के बीच का कॉमन नॉर्मल क्या है ये है अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ सो दिस इज द कॉमन नॉर्मल ये वाला सो so, रोटेशन आपकी इस टाइप से होगी ठीक है सो दिस इज़ एल्फा आई एंड दिस वन इज़ ए आई सो आई होप ये तीन एक्सरसाइजेज आर सफिशियंट इससे आपको समझ में आया होगा कि हम लिंक लेंथ और लिंक ट्विस्ट एंगल को किसी भी लिंक में जो आपको गिवन लिंक है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे मार्क करते हैं सो दिस इज़ आई थिंक सफिशियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाव अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दी जॉइंट पैरामीटर्स सो so, जैसे अभी हमने एक जनरलाइज्ड लिंक के बारे में पढ़ा था एज यू कैन सी ये जो ब्लू वाला एलिमेंट है ये हमारा एक लिंक है नाव हम पढ़ेंगे एक जनरलाइज्ड जॉइंट के बारे में ठीक है अब आपको पता है जब भी दो लिंक मिलते हैं मिनिमम टू लिंक्स जब कभी भी मिनिमम दो लिंक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलते हैं देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वाइंट जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो एक ये ब्लू लिंक है दैट इज लिंक आई माइनस वन एक ये रेड लिंक है दैट इज लिंक आई अब ये दोनों काइनामेटिकली इस पॉइंट पर आकर मिलते हैं सो दे आर काइनामेटिकली एंड मैके मेटेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन सो यहाँ पे हमको एक ज्वाइंट की प्राप्ति होती है सो वी गेट अ ज्वाइंट एट दिस लोकेशन इस जनरलाइज जॉइंट को कैसे एनालाइज करना है और यहाँ से हमको जॉइंट पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं सो so हमारे पास दो ज्वाइंट पैरामीटर्स आएंगे सो एज यू कैन सी द टू जॉइंट पैरामीटर्स आर फर्स्ट वन इज दस रिप्रेजेंटेड बाई डी आई सेकेंड जॉइंट पैरामीटर होता है जॉइंट एंगल दैट इज थी आई अब इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंदी टॉपिक एंड हैज टू बी डन विद ग्रेट पेशेंस सो दैट अगर आप उसको एक बार सही से समझ जाओगे सो

A very important part of the forward kinematics problem. So, stay tuned for the upcoming videos. Thank you.